ये पौधा करें पुराने जोड़ों के दर्द, मुंह के छालों को हमेशा के लिए दूर। दुनिया भर में कई बीमारियों का इलाज घर में ही किचन में मिल जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं अडूसा के फायदे। यह एक झाड़ीदार पौधा है और इसके फूल सफेद होते हैं। आपको बता दें कि यह पेड़ जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आज हम आपको बताने जा रहे हैं इससे होने वाले लाभ के बारे में। अडूसे का प्रयोग दमा जैसी बीमारी से बचने के लिए भी किया जाता है। कफ के प्रकोप से बचने के लिए भी यह उपयोगी है। यह कफ को पूरी तरह से पिघलाकर शरीर से बाहर निकलने में बहुत ही सहायक होता है। अडूसे का उपयोग खांसी, बुखार, पीलिया आदि बीमारियों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। इसके पत्तों को सूखी कच्ची जड़ी बूटी को बेचने वाली दुकान से खरीदा जा सकता है। मुंह के छालों को करता है दूर। अडूसा के 2 से 3 पत्तों को चबाकर उसके रस को चूसने से छाले ठीक होते हैं। आप ध्यान रखें कि चबाए हुए पत्तों का रस चूसकर थूक देना चाहिए। दांतों और मसूड़ों के दर्द में अडूसा की लकड़ी से दातुन करने से दांतों और मसूड़ों की समस्या ठीक होती है। इसी के साथ इससे नियमित दातुन किया जाए तो दांतों व मसूड़ों के दर्द में राहत हो जाती है। अडूसा के फायदे गठिया में। गठिया के दर्द और सूजन को कम करने के लिए वसा का जड़ी बूटी का उपयोग किया जाता है। इसमें पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लामेटरी गुण अर्थराइटिस की सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। वसा के पत्तों का पेस्ट सूजन वाली जगह पर लगाने से जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत मिलती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारा hashmi.com चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।